हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती सूचना, यूपीटेट नोटिफिकेशन और जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। कल मैंने ये जानकारी आपको दी थी कि राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय में कल बैठक हुई थी और उसमें जो प्रमुख मुद्दे थे वो हैं UPTET की परीक्षा। ठीक है, हम लोगों के लिए जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है UPTET की परीक्षा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बात हुई है। तो क्या बात यहाँ पर हुई है, यहाँ पर देखिए, ये राकेश पांडे जी ने बताया है। और फिर इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, उसको भी आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, आज की मीटिंग में प्री प्राइमरी को लेकर विशेष चर्चा हुई है। विशेष चर्चा किस पर? प्री प्राइमरी पर। शिक्षा मित्र आंगनवाड़ी पर चर्चा हुई। आज की मीटिंग शिक्षा मित्रों के लिए सुखद रही। शिक्षा मित्रों के लिए, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में एक बात बताऊंगा आपको। ठीक, शिक्षा मित्रों के लिए सुखद रही। UPTET नवंबर में कराने की तैयारी, चलो दिसंबर से नवंबर तक आए, ये थोड़ा सा बेहतर है पहले से। 3 लाख कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन की तैयारी। जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा पर कोई चर्चा नहीं। और देखिए यहाँ पर इन्होंने सतीश द्विवेदी जी ने भी डाला है, आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कर विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए बात हुई है, तो हो सकता है UPTET का कुछ जल्दी ही आपको सुनने को मिले। मैं कन्फर्म इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार ऐसा इन्होंने किया है लेकिन फिर नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक, तो यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है, मुझे इन सब जो बातें यहाँ पर कल की मीटिंग में हो रही हैं और लगातार जो 1 महीने से लोग जो बातें हो रही हैं उससे मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो प्राथमिक भर्ती है वो, मुझे लग रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस बात से आप लोग सहमत ही हों, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि वैकेंसी ये दे दें। मुझे ये इसलिए लग रहा है, पहले इसका रीज़न सुन लीजिए कि देखिए इन्होंने क्या कोशिश कर रहे हैं। देखिए 1 महीने से आप लगातार देख रहे हैं कि जितनी भी वैकेंसीज हैं, जो रुकी हुई वैकेंसीज थी उनको भी इन्होंने, उसका भी देखिए UPSSC का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया और उसमें कम से कम 20-22 हज़ार वैकेंसी वहाँ पर निकाल दी। ठीक है, उसके बारे में कह दिया कि UPSSC PET के बाद उसकी वैकेंसी, मतलब उसकी परीक्षा करवा ली जाए क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो ये पूरी कोशिश, अपनी पूरा जोर लगा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लाभ दिया जाए और जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हों। ठीक है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो यहाँ पर देखिए UPSSC में 20-22 हज़ार वैकेंसी वहाँ पर दे दी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, शिक्षा मित्रों के लिए आज की मीटिंग शिक्षा मित्रों के लिए सुखद रही। क्या बात निकली? क्योंकि देखिए शिक्षा मित्रों का भी वेतन बढ़ाने को यहाँ पर बातें हो रही हैं। शिक्षा मित्रों का वेतन उम्मीद है कि अभी 10 हज़ार है, हो सकता है 15 हज़ार 18 हज़ार कर दिया जाए, तो शिक्षा मित्रों को भी कवर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, शिक्षा मित्रों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा मित्र। और जो अब यहाँ पर देखिए, और एक और बात है, UPTET PGT की भी परीक्षा करवा रहे हैं। ठीक है, और UPSSC PET की परीक्षा करवा रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं अपनी छवि बहुत अच्छी बनाने के लिए। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी ये कर सकें। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें इतना ज़्यादा दबाव बन रहा है, इतनी ज़्यादा लोग उसमें सामने निकल आ रहे हैं, लगभग 10 से 15 लाख अभ्यर्थी है। ठीक है, लगभग 10 से 15 लाख अभ्यर्थी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग इतना तो समझते ही होंगे कि ये काफ़ी इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि जब UPTET का जब नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है उसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन दे दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब ये इतने लोगों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्री प्राइमरी शिक्षा मित्र आंगनवाड़ी UPSSC PET की जो वैकेंसीज हैं, UPTET PGT की हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वो कम गाँव में पंचायत सचिव की वैकेंसी निकाली है, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं, 6 हज़ार रुपये महीने देंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे उनकी छवि थोड़ी अच्छी बने और लगे कि रोज़गार दिया है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वैकेंसी आपकी आ सकती है और इसी आधार पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इस बात को माने ही। ठीक है, ठीक, तो जैसा भी आप लोगों को लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और एक और चीज़ है कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती की बात है वहाँ पर इन्होंने तो लिखा है कि कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो बातें चल रही हैं, जो सुनने में आ रही हैं उसमें यही है कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा है वो अक्टूबर में ही किसी दिन करवाने की यहाँ पर बातें चल रही हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई खबर आएगी तो आप लोगों को बता दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।